1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। 40 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 तक इतने लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, अलग अलग राज्यों के थे। ट्रेड यूनियन में जिनको रुचि है, रस है, और जो राष्ट्रवादी है, अपने लाइक माइंडेड, ऐसे 35 से 40 लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ बारीकी से विचार किया गया कि मजदूर क्षेत्र की अवस्था क्या है, और फिर निर्णय लिया कि नया केंद्रीय श्रम संगठन स्थापन करना आवश्यक है। ये नया केंद्रीय श्रम संगठन इसलिए नहीं स्थापन हुआ कि जो लोग आए थे उनको लगा कि भाई ट्रेड यूनियन के मार्केट में अपनी भी एक दुकान होनी चाहिए, या बाकी लोगों के झंडे डंडे हैं, हमारा भी एक झंडा डंडा होना चाहिए, ऐसी ओछी बात मन में रखकर यह निर्णय नहीं लिया गया। वहाँ जो लोग आए थे वो व्यक्तिगत रूप से ऐसे थे कि जिनको ट्रेड यूनियन का काम करने के अलावा और भी अन्य कामों में रुचि भी थी और क्षमता भी थी अन्य अच्छे काम करने की, तो भी वो ट्रेड यूनियन में रुचि ले रहे थे। लेकिन यदि ट्रेड यूनियन न बनाते तो जो अन्यत्र और दूसरा काम बड़े आनंद से करते, करने की क्षमता थी, ऐसे लोग थे। निर्णय क्यों लिया गया? उस समय 4 केंद्रीय श्रम संगठन थे, INTUC, AITUC, UTUC, हिंद मजदूर सभा, 4 संगठन थे, और चारों पॉलिटिकल थे। INTUC कांग्रेस के अंडर, हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट पार्टी के अंडर, AITUC कम्युनिस्टों के अंडर, UTUC बोल्शेविक और RSP के अंडर, चारों पॉलिटिकल थे। चारों को भारत सरकार की मान्यता थी केंद्रीय श्रम संगठन के नाते। चारों के पास बड़े बड़े दफ्तर थे, बहुत बड़े कोष थे, अच्छी मेंबरशिप थी, कम ज़्यादा थी लेकिन अच्छी मेंबरशिप थी। कोष अच्छा होने के कारण कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके पास थे, सहायता के लिए वकील भी सबके पास थे, तो वेल एस्टेब्लिश्ड, अच्छी तरह से प्रस्थापित ये 4 संगठन थे, ऐसा कहा जा सकता है। उनके मुकाबले में कोई नई संस्था निकालना बहुत कठिन काम था। फिर भी निर्णय लिया गया, इसका एक कारण था, परिस्थिति का जायजा लेने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि मजदूरों के प्रश्न ठीक ढंग से सुलझाने हो, मजदूरों की हालत सुधारनी हो, तो यह आवश्यक है कि संपूर्ण मजदूर एकता होनी चाहिए, ऑल आउट ट्रेड यूनियन यूनिटी, संपूर्ण मजदूर एकता होनी चाहिए। और जिसका मतलब ये था कि हर उद्योग में सबके मिलकर एक ही यूनियन हो, और हर उद्योग में जो एक एक यूनियन रहेगी उनके मिलकर एक ही ऑल इंडिया संस्था हो, तभी वो ताकत मजदूर इकट्ठा कर सकेंगे जिसके भरोसे एक तरफ पूंजीपति, दूसरी तरफ सरकार इनके साथ संघर्ष कर सके। यदि
संपूर्ण एकता नहीं होती है। एक एक उद्योग में दो यूनियन, चार यूनियन, पांच यूनियन रहती है, जिसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस कहते हैं। एक उद्योग में एक से ज़्यादा यूनियन रहती है तो उसका फायदा मालिकों को, सरकार को होता है। एक के खिलाफ दूसरे को लड़ाकर मालिक मजदूरों की ताकत कम करता है। मालिक और सरकार के साथ संघर्ष करना हो तो एकता के अभाव में संघर्ष की ताकत खत्म हो जाती है। अब एकता क्यों नहीं हो रही, इसका विचार हुआ तो दो तीन कारण ध्यान में आए। एक आया कि संपूर्ण देश में ये जो चार ट्रेड यूनियंस है, वह छोड़कर और भी छोटी बड़ी इंडिपेंडेंट यूनियंस है, लेकिन उनका कारोबार यूनियन के जैसा नहीं चल रहा, दुकानदारी के जैसा चल रहा है। कोई छोट भाई ये नेता पैसा कमाने के लिए यूनियन का उपयोग कर रहे हैं, केसेस करना, उसमें से पैसे लेना, यूनियन चलाना, मैनेजमेंट को धौंस देना, फिर मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करना, मैनेजमेंट से पैसे खाना, ऐसे कई प्रकार चलते थे। अब ये स्वतंत्र थे, किसी के माने बगैर नकेल के ऐसे थे, किंतु इनकी ताकत नहीं थी क्योंकि सारे स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे। ये जो चार सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो एक नहीं हो सकती थी। इसका कारण है कि चारों पॉलिटिकल यूनियन थी। और हम इस निष्कर्ष पर आए कि जब तक यूनियंस पॉलिटिकल है तब तक संपूर्ण एकता होना ही संभव नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं पॉलिटिकल यूनियन का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम करने वाली यूनियन। अब यूनियन यदि पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम करती है तो फिर वह पहला विचार मजदूरों के हितों का करेगी या पहला विचार अपने पॉलिटिकल पार्टी का करेगी, और पार्टी के जो बॉसेस है, मालिक है, लीडर्स है, उनका पहले विचार करेगी या मजदूरों का विचार करेगी। तो तब तक अनुभव ये आया था कि जो पॉलिटिकल यूनियंस है वो मजदूरों के सुख दुख का विचार बाद में करती है, पार्टी का कल्याण काहे में है इसका विचार पहले करती है। अब इसमें एक पैटर्न भी ध्यान में आया कि मजदूरों की समस्याएं तो हमेशा रहती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष, हड़तालें वगैरह वो चुनाव के थोड़ा पहले होना। चुनाव के पहले होने से विरोधी दल को सहायता मिलती है। वैसे जिनकी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है उनके बारे में ये देखा गया, और विविध पार्टियों का देखा गया, केवल कांग्रेस का नहीं, कि यदि जो पार्टी पावर में है उसी की यूनियन उस राज्य में काम कर रहे हैं, तो शासक दल ने कितना भी खराब काम किया, मजदूर विरोधी काम किया, तो भी ये हड़ताल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन राज्यकर्ता दल यदि विरोधी दल है तो ये जरूर हड़ताल करेंगे। माने हड़ताल करने के पीछे विचार ये नहीं कि मजदूरों का इसमें कल्याण कितना होगा, विचार ये हमेशा रखा कि अपनी पार्टी पावर में है, मजदूरों का कितना भी नुकसान हो हड़ताल न करना, अपनी पार्टी पावर में नहीं है तो जरूर हड़ताल करना, आवश्यकता हो या न हो। अब इसमें जाते जाते एक बात बताऊं, भोपाल की बात में आऊंगा, बाद में बोलूंगा कि इस विषय में भी राजस्थान के लोग ज़्यादा चतुर है, यह अनुभव सभी विषयों में आता है, इस विषय में भी आया। उदाहरण के लिए मैं बताऊं,
क्या हुआ, हम तो शुरू से नॉन पॉलिटिकल रहे, तो भी लोगों का ख्याल था कि शायद ये जनसंघ के हो गए, उसके विषय में बाद में बताऊंगा। और फिर जनता पार्टी का शासन केंद्र में आया, जनता पार्टी का शासन यहाँ भी आया, तो एक INTUC की बड़ी यूनियन राजस्थान की, INTUC को छोड़कर भारतीय मजदूर संघ के पास है, उन्होंने एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया। हमने एफिलिएशन तब तक दिया नहीं था। इतने में कोटा में, जैसा यहाँ अभ्यास वर्ग हो रहा वैसा कोटा में अभ्यास वर्ग हुआ था, तो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी और उनके 3-4 लोग अभ्यास वर्ग के लिए आए थे। अब क्या हुआ कि वो इतनी बड़ी यूनियन इंटक को छोड़कर इधर आई, तो उसके लोग बड़े गुस्सा हो गए थे। तो एक दिन भोजन के बाद, थोड़ा विश्राम का समय था, तो सीढ़ी चढ़कर पहला ही जो कमरा था उसमें मैं किसी के बिस्तर पर थोड़ा लेटा था, जिधर दरवाजा था उधर मेरा मुंह था, इसलिए बाहर से मैं वहाँ हूँ ये दिखता नहीं था। और वो जो छोड़कर आई यूनियन, उसका जनरल सेक्रेटरी वैसे ही वहाँ गैलरी में खड़ा था, उसको पता नहीं मैं वहाँ हूँ। उसको खोजते खोजते राजस्थान इंटक के जनरल सेक्रेटरी वहाँ आए, कहाँ है कहाँ है, तो ये ऊपर चढ़कर आए। तो दोनों का संभाषण मेरे कमरे के सामने ही हुआ, तो मैं सुन सकता था। तो वो जो इंटक के जनरल सेक्रेटरी थे राजस्थान के, उन्होंने कहा, क्यों भाई तुम भी दल बदल सिद्ध हुए हो, दल बदल किया है, शर्म नहीं आती? मैं हमेशा एक ही दल का रहता हूँ, शासक दल का रहता हूँ। अब ऊपर शासन में दल बदल हुआ, ये कोई मेरा कसूर नहीं है, किंतु हमारा दल हमेशा एक ही रहता है, शासक दल। मुझे लगा कि राजस्थान के लोग बाकी प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा चतुर है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया। खैर, तो पहला सवाल कि यदि पॉलिटिकल पार्टी के अंडर यूनियन है, तो पहला विचार मजदूरों के हित का न होकर पार्टी के हित का होता है, एक। और दूसरा कि सिद्धांत के रूप में यदि यह मान लिया कि जितनी हर एक यूनियन पॉलिटिकल हो सकती है, तो फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां देश में हैं उतनी यूनियनें हर फैक्ट्री में भी हो सकती है। उन दिनों में बंगाल में इतनी पार्टियां थी, लोग कहते थे कि ABCD, ए से लेकर XYZ तक जितने शब्द हैं उनका कोई भी कॉम्बिनेशन कीजिए, उस कॉम्बिनेशन की एक पार्टी बंगाल में उस समय रहती, इतनी पार्टियां थी। तो मतलब है कि जितनी पार्टियां देश में हैं उतनी पार्टियां हर एक कारखाने में, हर एक खदान में हो सकती है, तो मजदूर कितना बढ़ जाएगा, ऑल आउट यूनिटी कैसे होगी, मैनेजमेंट और सरकार के साथ संघर्ष करते समय हमारी शक्ति बढ़ जाती है, मालिकों की और सरकार की शक्ति बढ़ जाती है, इसका इलाज क्या होगा, यह सवाल था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक थी कि जैसा हमने सोचा कि एक उद्योग में एक ही यूनियन हो, और ऐसे एक ही यूनियन का फेडरेशन ऑल इंडिया एक ही हो, तो ये सब नेता कहते थे कि वन इंडस्ट्री वन यूनियन होना चाहिए। इंटक वाले भी कहते थे, HMS वाले कहते थे, UTUC वाले कहते थे, AITUC वाले कहते थे, सब कहते थे कि एक उद्योग में एक ही यूनियन होनी चाहिए। मजदूर बेचारे सोचते थे कि सभी की इच्छा तो एक ही है, सब चाहते हैं कि एक उद्योग में एक ही यूनियन हो, और फिर भी क्यों नहीं होती? सब ही बोल रहे हैं कि एक ही यूनियन होना चाहिए, फिर एक यूनियन क्यों नहीं होती? असली बात ये थी कि सब कहते तो थे मुंह से कि एक उद्योग में एक यूनियन हो, किंतु मन के पीछे भाव यह था कि एक उद्योग में एक ही यूनियन हो, यानी मेरी यूनियन हो बेटा तेरी ना हो, यह था।
ये मेरी तेरी वाला झगड़ा हर एक के मन में था। एक उद्योग में एक ही यूनियन हो, माने केवल मेरी हो, तेरी ना हो, तो इसलिए सब मुझसे कहते थे कि एक उद्योग में एक यूनियन हो तो भी एक यूनियन होना संभव नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि मजदूर एकता यदि चाहते हैं तो वास्तव में नॉन पॉलिटिकल केंद्र संगठन होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं। अब इसका मतलब ये था क्या, उन दिनों में पूछा गया क्या आप नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऐसा कहते हो तो क्या लाखों मजदूरों को आप नॉन पॉलिटिकल बनाना चाहते हो? नहीं कहा ऐसा नहीं। व्यक्तिगत रूप से कोई भी मजदूर किसी भी पार्टी का काम करे, संविधान में हर एक नागरिक को कुछ अधिकार दिए हैं, हर एक नागरिक को जितने अधिकार है, मजदूर भी नागरिक है, वो सारे अधिकार मजदूर को है, इसलिए मजदूर भी राजनीतिक अधिकार रखता है। किसी भी पार्टी का काम करने का अधिकार मजदूर को होना चाहिए, किंतु यूनियन के नाते वो पॉलिटिकल ना हो। व्यक्तिगत रूप से वो किसी भी पार्टी का काम करे, किंतु जहाँ मजदूरों के हित के लिए यूनियन का सवाल आता है वो राजनीति के ऊपर होना चाहिए और अपने यूनियन को वो राजनीति में घसीट कर न ले जाए, राजनीति को अपने यूनियन में घसीट कर न ले आए, ये आवश्यक है। उन दिनों में हम उदाहरण देते थे, हम कहते थे जैसे हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है कि हर एक नागरिक ने अपने पैर में क्या पहनना चाहिए, आप चाहे तो चप्पल पहन सकते हैं, चाहे तो आपके गांव के चर्मकार ने बनाया हुआ जूता पहन सकते हैं, चाहे तो बाटा साहब ने खास आपके लिए 535 रुपये का जो बूट बनाया वो भी पहन सकते हैं। आपने क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, या कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, आपके मर्जी की बात है। तो किसने क्या पहनना चाहिए पैर में, इसके बारे में कानून नहीं है, संविधान में कुछ लिखा नहीं। लेकिन जब आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर के लोगों को यह कहने का अधिकार है कि साहब आप अपने पैर में चप्पल पहनिए, जूता पहनिए, बूट पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन मंदिर में प्रवेश करना हो तो अपने अपने चप्पलें, अपने अपने बूट, अपने अपने जूते प्रवेश द्वार के पास रख दीजिए, नंगे पैर से अंदर आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, वापस जाते समय अपने अपने जूते, अपने अपने चप्पलें, अपने अपने बूट पहनकर जाइए, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। वैसे अपना यह कहना था कि व्यक्तिगत रूप से हर एक मजदूर नागरिक के नाते उसको सारे अधिकार है, वो चाहे जो राजनीतिक काम करे, किंतु जब भारतीय मजदूर संघ के या ट्रेड यूनियन के मंदिर में आता है तो अपने अपने जूते, अपने अपने चप्पलें, राजनीतिक जूते, राजनीतिक चप्पलें, राजनीतिक बूट यूनियन के प्रवेश द्वार तक रख दे, नंगे पैर केवल मजदूर के नाते मंदिर में आ जाए, जो मजदूर के नाते सोच विचार करना है, निर्णय लेना है वो करे, और फिर वापिस जाते समय अपने अपने राजनीतिक बूट पहन ले, अपने अपने राजनीतिक जूते पहन ले, अपने अपने राजनीतिक चप्पलें पहन ले, जो काम करना है जिसका आप करें या न करें। तो राजनीति के ऊपर है इसका मतलब, यूनियन ने राजनीति में नहीं जाना चाहिए, यूनियन का काम करते समय राजनीतिक विचार नहीं होना चाहिए, केवल मजदूरों का विचार होना चाहिए। तो ऐसा गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल ऐसा यदि यूनियन का स्वरूप रहेगा तब विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर जो मजदूर संगठन हैं उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल से संबंध छोड़ना चाहिए, केवल मजदूर के नाते इकट्ठा आना चाहिए, तो फिर ऑल आउट ट्रेड यूनियन यूनिटी
संपूर्ण मजदूर एकता हो सकती है। और इस दृष्टि से हमने भोपाल में ही ऐसा आह्वान किया था कि सब लोगों ने अपना अपना राजनीतिक कैरेक्टर छोड़ना चाहिए, और वो यदि छोड़ने के लिए तैयार है तो हम भारतीय मजदूर संघ की स्थापना अवश्य कर रहे हैं, लेकिन बाकी यूनियंस यदि नॉन पॉलिटिकल होने के लिए तैयार है तो हम सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ को एकीकृत यूनियन में विलीन करेंगे, ऐसी घोषणा भी वहीं की थी। वो पता था कि कोई तैयार नहीं होगा। अब इसके कारण बाकी नीतियां भी हमारी तय हुई कि सरकार के साथ यूनियन के संबंध क्या रहे। तो पहले बाकी यूनियन का बताया कि अपने पार्टी की सरकार है तो बिल्कुल कोई संघर्ष न करना, मजदूरों के साथ विश्वासघात करना भी, विरोधी दल की सरकार है तो आवश्यकता न होते हुए भी संघर्ष करना, चुनाव के समय हड़तालें करना वगैरह वगैरह पहले बताया। हमने कहा कि हमारी नीति सरकार के बारे में ये रहेगी कि सरकार किस पार्टी की है यह देखकर हम हमारा रुख तय नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी की सरकार हो, राष्ट्र और मजदूरों के बारे में उनका रुख क्या है वह देखकर हमारी नीति तय होगी, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का ध्येय राष्ट्र हित के चौखट के अंतर्गत मजदूरों का हित, यह भारतीय मजदूर संघ का ध्येय। तो राष्ट्र और मजदूरों के बारे में प्रचलित सरकार की क्या नीति है यह देखकर हमारा रुख तय होगा। कौन सी पार्टी पावर में है ये सवाल नहीं, इसलिए हमने कहा कि हमारी नीति हर सरकार के बारे में रहेगी रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जितनी मात्रा में सरकार राष्ट्र और मजदूर के साथ सहयोग करेगी उतनी मात्रा में मजदूर सरकार के साथ सहयोग करेगा, जितनी मात्रा में सरकार राष्ट्र और मजदूर के साथ असहयोग नॉन कोऑपरेशन करेगी उतनी मात्रा में मजदूर सरकार के साथ नॉन कोऑपरेशन करेगा, और जितनी मात्रा में सरकार राष्ट्र और मजदूर का विरोध करेगी उतनी मात्रा में मजदूर सरकार का विरोध करेगा। यह रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन हमारी नीति रहेगी, पार्टी कोई भी पावर में रहे। अब हम लोगों ने नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर हमारा घोषित करने के बाद लोग विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि नॉन पॉलिटिकल यूनियन हो सकती है। इसका कारण था कि अभी तक सारी यूनियनें पॉलिटिकल ही थी। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर्स ने ये प्रचार करके रखा था कि कोई भी संस्था पॉलिटिकल पार्टी के आश्रय के बगैर चल नहीं सकती, चाहे किसानों के हो, मजदूरों के हो, विद्यार्थियों के हो, दुकानदारों के हो, हमारा आशीर्वाद रहेगा पॉलिटिकल पार्टी का तब तो काम चलेगा, नहीं तो कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा प्रचार लोगों ने पहले से किया था, सभी पर उसका असर था, यहाँ तक कि मजदूर क्षेत्र के बाहर के अपने जो मित्र हैं वो भी कहते थे कि आपने ये कैसा निर्णय लिया, ये हो सकता है क्या, नॉन पॉलिटिकल चल सकता है। तो लोगों ने फिर ये प्रचार शुरू किया कि ये बोल रहे हैं नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन ये सब ढोंगे हैं, दाम्भिक है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनका संबंध अवश्य होगा, और कौन सी होगी। तो उन्होंने देखा कि उस समय जो भारतीय जनसंघ चल रहा था जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रमुख रूप से थे, भारतीय मजदूर संघ में भी संघ के स्वयंसेवक प्रमुख रूप से थे, तो दोनों तरफ स्वयंसेवक है। अब ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी के अंडर नहीं, ये सब ढोंग है। जनसंघ ने भी कहा कि भाई हमारा भारतीय मजदूर संघ के साथ संबंध नहीं, किंतु लोगों ने कहा ये तो ऐसा है कि एक ऐसे गांव में स्त्री है कि जिसको पति नहीं है, और एक पुरुष है जिसको कोई पत्नी नहीं है, तो जरूर इनका कुछ न कुछ संबंध होता होगा, ऐसा जैसा लोग मानते हैं।
तो पार्टी है जिसको यूनियन नहीं और यूनियन है जिसको पार्टी नहीं, तो जरूर इनका संबंध होगा, ये बताते नहीं है, ढोंगी लोग है, ऐसा पहले प्रचार था। अब हम लोग कहते थे कि ऐसा नहीं, ये सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही प्रमुख भूमिका भारतीय मजदूर संघ में निभा रहे, जनसंघ में भी स्वयंसेवक है, ठीक है। अब हम लोग आग्रह पूर्वक संघ से मांग लेते थे कि भाई हमको अच्छे कार्यकर्ता दीजिए, क्योंकि उन दिनों में जबकि चारों ओर पहले से चल रही यूनियनों का काम था, फिर हमारे खिलाफ मैनेजमेंट भी थी, मालिक भी थे, सरकार भी थे, प्रस्थापित यूनियनें हमारे खिलाफ थी, और भारतीय मजदूर संघ का काम शुरू करना यानी सस्पेंड होना, डिसमिस होना, ये समीकरण था। तो ऐसे समय कोई चतुर लोग हमारे साथ आएगा ये संभव नहीं था। चतुर लोगों को ये पता रहता है कि ब्रेड के कौन से हिस्से पर माखन लगा है, तो जिधर माखन लगा होगा उधर ही वो जाएंगे। यहाँ तो भारतीय मजदूर संघ में आना यानी स्वयं अपने को बर्बाद कर लेना, ऐसी अवस्था थी। तो इस स्थिति में जो केवल ध्येयवादी होने के कारण, राष्ट्रवादी मजदूरवादी होने के कारण और स्वयं अपने को बर्बाद करने की तैयारी रखते हैं, ऐसे पागल लोग ही हमारे साथ आ सकते थे, और देश में पागल लोगों की संख्या उस समय नहीं थी। केवल एक कारखाना चल रहा था जिस कारखाने में से पागल लोग तैयार होते थे, उस कारखाने का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हमने उस कारखाने के जनरल मैनेजर से बात की, जरा आपका थोड़ा माल हमको दीजिए, हमको पागल लोगों की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ संघ के लोग प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि इसके बाहर जो लोग हैं वो सारे व्यवहार चतुर है, हम जानते थे। संघ जनसंघ में भी संघ के स्वयंसेवक प्रमुख रूप से थे, तो लोगों को लगा कि ये दोनों का संबंध होगा। हम कहते थे कि संबंध नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने वाद नहीं किया, बहुत ज़्यादा वाद नहीं किया। एक दो बार कह देना कि भाई हमारा किसी पार्टी से के साथ संबंध है, फिर भी लोगों ने कहा है तो फिर बोलने देना। हमने कहा कि हमारे प्रत्यक्ष कार्य से जब सिद्ध होगा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तब आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, हम धीरज के साथ काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही सिद्धांत है कि मास ऑर्गेनाइजेशंस, जन संगठन, ये नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, संघ का ही सिद्धांत है। ये बात ठीक है कि उधर जनसंघ में भी स्वयंसेवक है, यहाँ भी स्वयंसेवक है, लेकिन इतनी ये सस्ती बात नहीं थी। सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि मास ऑर्गेनाइजेशंस नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। और इसका कारण, हमें राष्ट्र पुनर्निर्माण करना है। राष्ट्र पुनर्निर्माण कैसे होगा? बाहर के लोग सस्ती बातों को लेकर चलते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बार अपने हाथ में सरकार आने दीजिए, एक बार राज्य सत्ता हाथ में आएगी तो फिर राष्ट्र पुनर्निर्माण हो ही जाएगा। मानो राज्य सत्ता यह एक अलादीन का दिया है, अलादीन के दिए के बारे में ऐसी मान्यता है कि जिस किसी के हाथ में अलादीन का दिया रहेगा, उसकी जो ही इच्छा है सारी पूरी होती है। वैसे जिस किसी के हाथ में राज्य सत्ता आएगी तो सारी इच्छाएं पूरी होगी, राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, ऐसी सस्ती बात हवा में थी। हम जानते थे ये झूठ है, राज्य सत्ता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य सत्ता का उपयोग है, उपयोग करने वाले मजबूत लोग चाहिए तभी उपयोग है, किंतु राज्य सत्ता को ही यदि प्रधानता दी गई तो जैसा कहा गया, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, माने सत्ता भ्रष्ट करती है, अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्टाचार का निर्माण करती है, कौन उनके ऊपर नियंत्रण लाएगा? तो इस दृष्टि से राज्य सत्ता को हम केवल साधन मानते हैं, किंतु अंतिम लक्ष्य कभी मानना हमने किया नहीं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार ऐसा है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार राज्य सत्ता नहीं है, तो फिर क्या है?
तो सर्वसाधारण नागरिकों के मन में राष्ट्रीयत्व की चेतना हो। आज हम जानते हैं कि सब केवल अपने अपने स्वार्थ का विचार करते हैं, यह छोड़कर, ठीक है, मौका आने पर वो अपना स्वार्थ छोड़कर देश के लिए त्याग भी करते हैं। 62 में लोगों ने स्वार्थ छोड़कर त्याग किया, 65 में त्याग किया, 71 में त्याग किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय हमारे ऐसे व्यापारी जो दक्षिण पूर्व एशिया में केवल पैसा कमाने के लिए गए थे, उन्होंने भी जब नेताजी ने आह्वान किया तो विशुद्ध स्वार्थ के लिए गए हुए लोग, उन्होंने अपना सारा पैसा नेताजी के चरणों पर अर्पण किया। उनके महिलाओं ने अपने गहने नेताजी को दे दिए। माने ठीक ढंग से यदि देशभक्ति का आह्वान किया तो लोग त्याग कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आदमी स्वार्थी होता है, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से साधारण तौर पर भी जो अपने स्वार्थ का विचार बाद में करेंगे, राष्ट्र के स्वार्थ का विचार पहले करेंगे, राष्ट्रहित का विचार पहले करेंगे, ऐसे राष्ट्रीय चेतना से युक्त सभी नागरिक हो तो संपूर्ण समाज ऐसे नागरिकों का बने जो राष्ट्रीय चेतना से युक्त है। और फिर उनके स्वाभाविक रूप से मास ऑर्गेनाइजेशंस, जन संगठन बन ही जाते हैं। जन संगठन स्वाभाविक रूप से बनते हैं। जन संगठन का मतलब है कि भाई प्रायः व्यावसायिक संगठन होते हैं, कुछ गैर व्यावसायिक भी हो सकते हैं, प्रायः व्यावसायिक संगठन होते हैं। जैसे मजदूरों का अलग, किसानों का अलग, विद्यार्थियों का अलग, दुकानदारों का अलग, मालिकों का अलग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट, मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, माने हर एक प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का ऐसा संगठन बन ही जाता है। तो ऐसे जन संगठन, और ये दो बातें जब होती हैं कि सर्वसाधारण नागरिक राष्ट्र भावना से ओतप्रोत, ऐसे नागरिकों के स्वायत्त स्वयं शासित जन संगठन, संघ का कहना है कि ये जन संगठन स्वायत्त माने ऑटोनोमस होने चाहिए, स्वयं शासित यानी सेल्फ गवर्न होने चाहिए, किसी पार्टी या सरकार के अंडर न रहे। ये दो बातें जब हो जाती है तो उसमें से तीसरी एक शक्ति निर्माण होती है। ये कौन सी है? समाज का नैतिक नेतृत्व, मॉरल लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी। मॉरल लीडर का मतलब होता है कि ऐसा लीडर जिनके पास राजकीय सत्ता नहीं है, जिनके पास आर्थिक सत्ता नहीं है, जो लंगोटी लगाकर घूमते हैं, लेकिन संपूर्ण जनता का उनके ऊपर विश्वास है कि अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। के लोग ऐसे हैं कि ये मेरा ये पराया, ऐसा भेद उनके मन में नहीं, संपूर्ण दुनिया को ही वो अपना परिवार समझते हैं। ये श्रद्धा, और ये श्रद्धा होने के कारण किसी भी प्रश्न पर ये लोग जो कहेंगे वही समाज के हित का होगा, यह विचार लोगों के मन में रहता है, वो मॉरल लीडर्स। तो मॉरल लीडरशिप का उदय होता है। अब आपके मन में आएगा कि हिंदुस्तान में मॉरल लीडर्स अभी नहीं क्या? तो नैतिक नेता है, नैतिक नेतृत्व नहीं है, दोनों में अंतर है। व्यक्तिगत रूप से नैतिक नेता हो सकते हैं। नेतृत्व का मतलब होता है कि नैतिक नेताओं की शक्ति, सभी नैतिक नेता एकत्रित आने के कारण एक शक्ति निर्माण होती है, उसको मॉरल लीडरशिप कहते हैं, नैतिक नेतृत्व कहते हैं। व्यक्तिगत नैतिक नेता और नैतिक नेतृत्व, इसमें अंतर क्या है जरा देख लीजिए। कांग्रेस के आंदोलन में गांधी जी नैतिक नेता थे, किंतु लुई फिशर ने ऐसा लिखा है कि मैं गांधी जी के पास जाता था, गांधी जी आंसू बहाते थे, कहते थे कि कल तक जो मेरे शिष्य रहे, नेहरू है, पटेल है, अब सरकार में आने के बाद वो मेरी सलाह लेने के लिए आते ही नहीं। कोई भी महत्वपूर्ण विषय हो मेरे साथ सलाह करने के लिए नहीं आते। शायद इसलिए नहीं आते कि मैं यदि कुछ बताऊं और वो उनके लिए सुविधाजनक न रहा तो फिर उनकी मुश्किल होगी, इसलिए मुझे न पूछते हुए बड़े बड़े निर्णय कर लेते हैं।
वो शब्दशाह अक्षरशाह आंसू बहाते थे, ऐसा लुई फिशर ने लिखा है। 1977 का चुनाव जो जीता गया, लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिया। उस समय जनता पार्टी नाम की पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। किसी पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को जनता ने वोट नहीं दिया, जयप्रकाश नारायण को वोट दिया था। किंतु एक बार मिनिस्ट्री फॉर्म होने के पश्चात पटना में अपने सदाकत आश्रम में ये बूढ़े जब मृत्युशैया पर थे, तो दिल्ली में सारे मिनिस्टर इतने व्यस्त थे कि बूढ़ा आदमी जिंदा है या मर गया, तबीयत क्या है यह देखने के लिए हवाई जहाज से जाना, हवाई जहाज से वापस आना, इतनी भी फुर्सत किसी को नहीं थी। कोई उनकी तबीयत देखने के लिए नहीं गया। तो व्यक्तिगत नैतिक नेता होना अलग बात है। नैतिक नेतृत्व का मतलब होता है कि ऐसी एक शक्ति, नैतिक शक्ति, संघ ऐसा मानता है कि यह जो नैतिक शक्ति है वही धर्मदंड है। अपने यहां पहले से कल्पना धर्मदंड, इसकी पहले से कल्पना है। और कहा गया है कि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होना चाहिए। तो जहां सर्वसाधारण नागरिकों का स्तर राष्ट्रीय चेतना का ऊपर आता है, उनके जनसंगठन बनते हैं, वहां यह धर्मदंड तैयार होता है। फिर सरकार का स्थान क्या है? तो सरकार हाथी के समान है। हाथी विशाल है, बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यदि हाथी मेरे बगीचे में और आपके जंगल में घूम रहा, तो क्या हमने हाथ पर हाथ रखकर केवल भगवान से प्रार्थना ही करनी है कि हे भगवान, हाथी साहब का मूड अच्छा रखो, मूड बिगड़ जाएगा तो मेरा बगीचा उध्वस्त हो जाएगा, उसका जंगल उध्वस्त हो जाएगा, केवल भगवान से प्रार्थना करना इतना ही अपना काम है क्या? नहीं। तो उस पर नियंत्रण रखना कैसे, ये सोचना पड़ता है। वो अच्छा काम करता है, करने देना, लेकिन यदि गड़बड़ करता है तो उसको नियंत्रित कैसे करना, कंट्रोल कैसे करना? इसलिए व्यवस्था ऐसी होती है कि हाथी है, हाथी के कंडस्थल पर महावत बैठता है। महावत शब्द चलता है ना हिंदी में। हाथी के गंडस्थल पर महावत बैठता है, महावत के हाथ में अंकुश रहता है। हाथी जब तक ठीक ढंग से काम करता है, महावत गड़बड़ नहीं करता। हाथी गड़बड़ करने लगेगा तो अपने हाथ का अंकुश महावत उसके गंडस्थल पर दबाता है, और गंडस्थल उसका वीक पॉइंट है। जैसे गंडस्थल पर अंकुश दबाया जाता है, अंकुश तो छोटा रहता है, लेकिन जैसे अंकुश दबाया जाता है गंडस्थल पर, ची 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 करते हुए हाथी नीचे बैठ जाता है, नियंत्रण में आता है। तो गंडस्थल पर महावत यानी मॉरल लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी, धर्मदंड, उनके हाथ में अंकुश कौन है? जनसंगठन, मास ऑर्गेनाइजेशन, स्वायत्त स्वयंशासित जनसंगठन, ये अंकुश का काम करते हैं। जब हाथी गड़बड़ करता है तो ये अंकुश दबाया जाता है। तो सरकार हाथी के समान है, ऐसी व्यवस्था होगी तो हाथी ठीक चलेगा, नहीं तो फिर हाथी ठीक नहीं चल सकता, अनियंत्रित हो जाएगा। इस तरह से राष्ट्र का निर्माण होता है, ऐसा संघ समझता है। इसके कारण राजसत्ता का महत्व है लेकिन सीमित है, और राजसत्ता से अच्छे काम कर लेने की शक्ति आम जनता में, जन संगठनों में, मॉरल लीडर्स में होनी चाहिए, तभी राजसत्ता का अच्छा उपयोग होता है। वरना राजसत्ता स्वयं सारे लोगों के सीने पर बैठकर हावी होकर और भ्रष्टाचार करेगी, यह एक रचना संघ के मन में है। इसलिए संघ का ही आग्रह है कि जन संगठन नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए। किंतु किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह जचना संभव नहीं। इसलिए मैं जब पार्लियामेंट में था तो परम पूजनीय गुरुजी ने यह व्यवस्था की थी कि भाई ये जनसंघ के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इस नाते मैं ठेंगड़े को नहीं भेज रहा हूँ। तो उस समय बैनर्जी डिफेंस के, क्या नाम उनका, बैनर्जी कानपुर के एस एम बैनर्जी, ये कानपुर से इंडिपेंडेंट एमपी रहते थे,
कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ बैठते थे और उनका डिसिग्नेशन था कि इंडिपेंडेंट सिटिंग विद कम्युनिस्ट ग्रुप। तो परम पूज्य ने गुरुजी ने जनसंघ वालों को कहा था कि ये इंडिपेंडेंट सिटिंग विद जनसंघ ग्रुप रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहेगा। तो इस दृष्टि से राजसत्ता के विषय में हमारी धारणा ही अलग थी। तो भी उस समय भी जनसंघ के लोगों को लगता था कि भाई हमारी कोई ना कोई ट्रेड यूनियन है, ऐसा बोलने से हमारा शान बढ़ जाएगी। तो भारतीय मजदूर संघ ने घोषित करना चाहिए कि हम जनसंघ के अंग है, हमने कहा हम घोषित नहीं करेंगे। तो लाल कृष्ण अडवाणी ने एक किताब लिखी, पीपल्स बिट्रेयल, कहीं भी मिलती है। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि हम ठेंगड़ी जी को समझाते थे कि आप नॉन पॉलिटिकल कैसे चल सकते हैं, तो आप जनसंघ के विंग के रूप में रहिए। बहुत समझाने के बाद ठेंगड़ी जी ने माना नहीं, तो हमने तय किया था कि जनसंघ के अलग से लेबर विंग हम फ्लोट करेंगे। लेकिन इतने में इमरजेंसी आ गई और इसलिए वो रह गया। ये उन्होंने लिख कर रखा है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते, पीपल्स बिट्रेयल ऐसा किताब का नाम है। किंतु हमने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी यदि ट्रेड यूनियन चलाना चाहती है जरूर चलाए। लोगों को लगा कि हम विरोध करेंगे, हमने कहा नहीं आप चलाइए। कई जगह ऐसा प्रयास हुआ। पुराने लोगों को याद होगा कि 4-5 यूनियन कोटा में पॉलिटिकल लोगों ने पहले बनाई थी, एक म्युनिसिपैलिटी में थी, बाकी 3-4 थी, ज्यादा नहीं चली। उस समय